कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जी हाँ, अलविदा तो कहना भी नहीं चाहिए, कभी कहना ही नहीं चाहिए कि हम जा रहे हैं, कहना चाहिए कि हम आने के लिए जा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही कह रही है हमारी पुरानी वाली चकोर, जो अब सीरियल को यानी उड़ान को टाटा बाय बाय कहने वाली है। तो चलिए कुछ खट्टे कुछ मीठे पल आपको दिखाते हैं। जी हाँ, एक तरफ तो पुरानी चकोर जो है रुखसत हो रही है, तो वहीं नई चकोर की भी एंट्री हो रही है। आज मेरा लास्ट डे है शूट पे, अब मैं नई उड़ान भरूंगी। ऑल द बेस्ट उड़ान, आई होप दैट ये शो सालों साल चले। चकोर का आ गया आखिरी दिन। सीरियल उड़ान की चकोर की उड़ान बस यहीं तक थी। चकोर का किरदार निभाने वाली मीरा देवस्थले की शूटिंग का उड़ान के सेट पर यह है आखिरी दिन, इसीलिए जाने से पहले वो सेट पर हो रही है बहुत ही इमोशनल। आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू। अगर कभी किसी का दिल दुखा रहा हो तो सॉरी, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू उड़ान। आई होप दैट ये शो सालों साल चले। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट। और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं, एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है। So, I wish all the best आप सबको, and thank you. गुरु सर हमारे प्रोड्यूसर भूखे और केक लेकर आए थे, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं 3 साल जो मैंने किया, हम सब ने मिलके जो किया वो अप्रिशिएट हुआ, एंड इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। ऑन यूनिट के सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, और मुझे तब एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि मैं इन सबको छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और बहुत गंदी लग रही हूँ शायद रोते हुए। वैसे यहाँ सीन के दौरान भी चकोर को बहुत ही भावनात्मक सरप्राइज मिला है। सीन में उसे अंजोर के घर में प्रवेश करना था, मगर जैसे ही दरवाजा खुला, सामने सीरियल के सारे यूनिट के सभ्य एक बड़ा सा प्ले कार्ड लेकर खड़े दिखे और चकोर फिर भावुक हो गई। ब्लैक कार्ड पे सबने बहुत प्यारी सी चीज लिखी थी कि सब मुझे मिस करेंगे और सब कुछ, एंड सब यूनिट वाले खड़े थे, एंड सेटिंग वाले जो थे उन्होंने बनाया वो। और जब मैं उनको मिली उन्होंने कहा कि अरे हमने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया आपके लिए, सो इट वाज वेरी स्पेशल। एंड आई लव, मुझे ऐसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, मतलब जो मटेरियलिस्टिक ना हो। चकोर यानी कि मीरा यहाँ से जा रही है, मगर जाने से पहले सबको मिलके जा रही है और सबसे ढेर सारी यादें लेकर जा रही है। मैंने अपने पहले बाइट्स भी आप ही लोगों के साथ दिए थे, एज पर द इंफॉर्मेशन बाय मिस निशी मिश्रा, मैंने उन्हीं के साथ 3 साल पहले बाइट्स दिए थे। और नथिंग हैज चेंज्ड, जब आई थी तो कुछ नहीं थी, जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत लेके जा रही हूँ, लोगों का प्यार लेके जा रही हूँ, कुछ सीख के जा रही हूँ। यहाँ पे अभी हमारे गणेश जी की मूर्ति है,
जो हम लोग रोज हाथ जोड़ते हैं जहाँ पे। सबसे यादगार वो है कि ये सारा कॉरिडोर और ये सारी सीढ़ी जो थी यहाँ पे, मैं पारो की तरह मैंने बहुत बार दौड़ा है। सबसे फन पार्ट ये था कि यहाँ पे ना, ये जो जगह है यहाँ पे पानी हुआ करता था सब तरफ, ये जो पैच है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे पानी होता था। और बेस्ट पार्ट ये होता था जब कोई गिरता था उसके अंदर, तो वो बहुत मज़ा आता था। ऑल दो मेरी एक इच्छा थी कि मैं इसके पास कभी शूट करूँ, कोई सीन करूँ ऐसे रोमांटिक सा, पर हुआ नहीं। अब तक की सबसे मेरी बेस्ट एक्ट्रेस है, थी और रहेगी। और इसने जो दो महीने, मेरे को दो महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, और जो इसने दिल में जगह बनाई है वो शायद कोई और ही बना सकता है, विदाउट टेंट्रम, टेंट्रम लेस एक्ट्रेस। ये है मिस्टर गणेश संकला जिन्होंने मेरा पहला शॉट लिया था, और ये है मिस्टर ऋषि त्यागी जो हमारे डायरेक्टर हैं। हाँ यार, मेरा आखिरी शॉट भी आप ही ले रहे हो। लो ना। नो 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 नो, ये बहुत जिद्दी है। और क्या बोलूं, को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। चकोर मैम जा रही हैं, हम तो चकोर मैम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चकोर मैम आप अपने मेरे शो में रहो, आप उड़ान करो, लास्ट तक करो आप। जर्नी बहुत छोटी होती है, जैसे लोग बोलते हैं ना, कभी कभी सालों हम साथ रहते हैं और अटैचमेंट नहीं हो पाती है, लेकिन कभी कभी थोड़े दिनों में ही हो जाती है। एंड मीरा इज सच अ वार्म पर्सन, इतनी वार्मली उसने मुझे वेलकम किया था। एंड जैसे आपको पता है कि मैं बहुत बात नहीं हूँ, मैंने इसका बात कर 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 के इसका सर खो गई मैं। ये है मेरी मम्मी। एक्चुअली कल रात को ही रोई थी। कौन? घर में। कौन? और आज सुबह में भी सेट पे रोई थी। मुझे मैं नहीं रोई घर पे रात को। बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो आई और सीधा उसको मतलब रोना ही चालू हो गया था। तो 3 साल से सबके साथ जुड़ी है, तो एक फैमिली हो जाता है सब। और शो के लिए उसने बहुत कुछ किया, शो ने भी उसको बहुत कुछ दिया, तो 3 साल का उसका जर्नी अच्छा रहा है और आगे भी शो अच्छा चले। बेचारी रोज सुबह उठ के खाना बनाती है मेरे लिए और मैं कुछ नहीं खाती। चकोर के रूप में मीरा के स्थान पर अब बालिका वधु के आनंदिका किरदार निभा चुकी तोरल राजपुत्रा दिखेंगी, जो चकोर के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुंची थी। आज मैं ट्रायल्स के लिए आई हूँ और हम लुक टेस्ट कर रहे हैं, तो यही देखने की कोशिश है कि मुझ पे क्या लुक सूट कर रहा है और क्या कलर्स मुझ पे सूट करेंगे। और वैसे कैरेक्टर्स तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सिंपल कैरेक्टर है चकोर का, और सिंपलिसिटी इम्पॉर्टेंट है इस कैरेक्टर में, इनोसेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो भी अकॉर्डिंगली होगा। अब पुरानी चकोर गई और नई चकोर आ गई, अब नई चकोर के साथ सीरियल कितनी उड़ान भर पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।